हे गाइस, आज हम बनाएंगे हरे प्याज और पनीर का चीला। ये एक बहुत न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट है जो कि सिर्फ 10 मिनट में रेडी हो जाता है। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप बेसन, 100 ग्राम्स पनीर, हरे प्याज और हरी मिर्च। सबसे पहले अपने हरे प्याज लें। हरे प्याज में हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें बहुत ज़्यादा, एटलीस्ट इंडिया में तो इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। इसको अच्छे से धो लें और सूखने के लिए साइड में रख दें। देखिए, यहाँ पे मैंने अपना पनीर घिस लिया है, हरे प्याज काट लिए हैं और हरी मिर्च भी काट ली है। इसमें सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी काटें, कोई भी चीज़ बड़ी बड़ी मुंह में आती हुई इसमें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। अब ये सारा सामान बेसन में डालें और इसमें डालें 1/2 कप दही, 1.5 ग्लास वाटर और इसको अच्छे से थोड़ी देर तक फेंटें। गाइज, इस पॉइंट पे ध्यान रखें कि ये बैटर बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए। अब हम डालेंगे फ्रेश कुटी हुई अजवाइन और फ्रेश कुटे हुए धनिए के बीज। गाइज, अजवाइन कूटते हुए जो फ्रेग्रेंस आपकी किचन में भरेगी उसका तो कोई जवाब है ही नहीं। गाइस, जब हम ये चीला बनाते हैं, स्पेशली कोई भी चीला जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टफिंग हो, तो उसको फैलाने का तरीका ऐसे है कि आप अपनी कड़छी को बार बार इस टू एंड फ्रो मोशन में हिलाते हुए चीले को धीरे धीरे करके फैलाएं। गाइस, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो मैंने कड़छी पकड़ी हुई है, ये बहुत ही लाइटली ही बेसन को टच कर रही है। आपने यहाँ पे ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना। इस चीले को मीडियम फ्लेम पे पकाएं और जैसे ही ये सूखे ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल दें। अक्सर हम चीले में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको पलटे कब। तो गाइस, जैसे ही साइड से आपको थोड़ा थोड़ा ब्राउन होता हुआ दिखे, वैसे आप इसको पलट दें। अगर आपने अपना चीला टाइम से पहले पलट दिया तो एक तो वो चीला काफ़ी ज़्यादा चिपका हुआ होगा, दूसरा इतना वो ब्राउन नहीं होगा। एक अच्छे चीले की यही पहचान है कि वो पीछे से इस टाइप से ब्राउन हो जाए। गाइस, चीला पलटने के बाद हमें प्रेस करके दूसरी साइड से भी इसको पका लेना है। एंड दैट्स इट, आपका नाश्ता रेडी है। यहाँ मैंने इसको फ्रेश कर्ड, जिसमें मैंने जीरा डाला है, फ्रेश सैलेड और ग्रेटेड पनीर के साथ सर्व किया है। थोड़ा सा मैंने चीलों पे चाट मसाला भी डाला है और इसको मैंने घर के बने गाजर गोभी अचार के साथ परोसा है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एज़ ऑलवेज, हमारा चैनल देखने के लिए थैंक यू।